इधर इस तरह का बहुत ज्यादा सीन है क्योंकि ना रोटियां ताजी नहीं मिलती, आप लोगों को शॉपर में डाली हुई मिल जाएंगी। ये मार्केट जिधर भी जाएंगे ना सुपर मार्केट के बाहर, अब इधर से निकल के आ रहे हो याद की इधर हमें याद करते हो भाई साहब, वॉशरूम से निकल के आ रहे हो मैं आपकी याद में था। अलना ये होता है ये लक की लानत है ना। सूफी साहब क्या हो गया कड़वे हैं यार बहुत। हाँ भाई क्या लेके आये हो भाई? 1 किलो चिकन लेके आये हो। अच्छा 1 लाख रुपए का मिला है। वाह। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फैमिली जी आज हम मौजूद हूँ फिलवक्त इस्फहान में और यहाँ पर हम रह रहे हैं अपने दोस्तों के घर, तफसीर भाई के घर रह रहे हैं। और ये देखो जी हमारा रूम है, ये अभी हमने जैसे उठे थे वैसे हम बाहर चले गए थे व्लॉग बनाने के लिए। ये हमने बनाया था जी आलू वाले चावल बनाए थे और अभी हम बनाने वाले हैं खाना। तो मैं चल के ना आप लोगों को किचन दिखाता हूँ जी हमारा किचन किस तरह का है। ये हमारा किचन है और ये ओवन पड़ा हुआ, जूसर मशीन पड़ी हुई, ये हमारा थाल पड़ा हुआ जिसमें हम चावल बना के खाते हैं और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। ये पड़ा है चाय बनाने वाला, ये हमने इस पर सालन बनाना है। पहले भाइयों ने मेरे ख्याल चावल बनाए थे तो उन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, अब इसको मैं वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद आज हम ना बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल चीज़, हमारे दोस्त जो हैं वो लेने गए हुए हैं। जैसे ही लेके आते हैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने आज क्या बनाना है। तो फिर वक्त पहले मैं ये वाला बर्तन वॉश करके तो रेडी करता हूँ। सो जी अभी बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, ठीक है। ये किचन की वाइब है कितनी प्यारी है, देखो वॉशिंग मशीन VIP वॉशिंग मशीन है ये। इसका जब एक दफ़ा टाइमर लग जाता ना तकरीबन आधे घंटे के बाद ये खुलता है, पहले नहीं खुलता, ठीक है। सो जी अभी दोस्त हमारे आ गए। हाँ भाई क्या लेके आए हो भाई? 1 किलो चिकन लेके आए हो। अच्छा 1 लाख रुपए का मिला है। वाह। यानी इसके अंदर मसाले हैं, बड़ा धनिया है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है। अच्छा ठीक है, बनाने लगे यहाँ पे स्पाइसी चिकन। वाह देसी। आज कल जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं कल नमक थोड़ा कम था तो आज VIP होना चाहिए, ठीक है। आज खाना बनने वाला है। ये हमारे तफसीर भाई है जिनके पास हम रह रहे हैं। अपना ना थोड़ा सा बता दीजिएगा पाकिस्तान से कौन सी साइड पे हो? डेरा गाजी खान। ये डेरा गाजी खान के भाई हैं। इनके पास हमें तकरीबन आज चौथा दिन है और अभी भी 2 दिन मोर स्टे करना है यहाँ पे, तो बहुत मजा आ रहा है इन लोगों के साथ एंजॉय करके यार। हाँ सूफी कैसा लग रहा है? सूफी ने ये देखो बैग कैसे पुड़ियों की तरह डाल रखा है। अभी शिराज भाई करेंगे कुकिंग। पिछली दफा जब मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा था ना, पिछली दफा तो हमारे साथ नए बंदे थे, सबको कुकिंग करके मैं खिलाता था और 1-2 दफा शाना ने भी बनाया, लेकिन दुनिया बदलती रहती है यार। इस दफा मेरे साथ ये नए बंदे हैं तो अभी भाई शिराज भाई कुकिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक। सो जी अभी ये देखो भाई साहब मसाला वगैरह काट रहे हैं। सूफी साहब क्या हो गया कड़वे हैं यार बहुत। सूफी साहब कह रहे हैं कि ये प्याज काफी कड़वे हैं तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो प्याज मैंने छील लिया था भाई साहब, अभी जो है ना प्याज काटेंगे। प्याज के बाद हरी मिर्चे लेके आए हो। चलो जी अभी इसको उतारते हैं, इसके अंदर डाल दें गोश्त। गोश्त को धोते हैं फिर इसको डाल दिया इसके अंदर, हॉट सा वाटर निकाल दें। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ पर गर्म और ठंडा पानी आपको मिलेगा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अभी गर्म गर्म पानी आ गया, अच्छे से वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद फिर हम इनको छोटियाँ बोटियाँ करेंगे, वो हमारे पास छुरी है। चलो जी अभी शिराज भाई को मैं लेके जा रहा हूँ, सूफी साहब हमारे लगे हुए वहाँ पे मसाला वगैरह बना रहे हैं। ये देखो सूफी साहब क्या रह गया है? बस ओके ओके रह हो गया। क्या ये क्या स्कीम है भाई? वाओ सूफी साहब तो कुकर बन गया भाई, कुक बन गया कुक। और अभी शराज भाई अभी टेस्टी बनना चाहिए यार। कल शराज भाई ने चावल बनाया था उसकी हमने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, चावल बनाया था लेकिन उसमें ना पता नहीं भाई को भूल गया था या पहली दफा बना था, यहाँ मसाले का पता नहीं। तो भाई ने ना मिर्चे भी नमक भी कम डाल दिया, आज हम ले गए हैं सब कुछ एक्स्ट्रा। वाओ सूफी साहब बहुत जबरदस्त रेसिपी बना रहे हैं आप, मजा आने वाला। मिर्चे धोई हैं सूफी साहब? काट तो रहे हो ऑयल डाल दिया। अभी इसमें क्या डालोगे? पहले प्याज फ्राई होंगे जिसके अंदर। अभी भाई साहब डालने वाले हैं लहसुन। हाँ अभी उनको रेड तो हो जाने देना ना कि नहीं? ये भी साफ फ्राई हो, ये भी साफ फ्राई हो देना। अच्छा मिर्चे बाद में डालनी? अच्छा चलें ठीक। एक खुशबू आ रही है वीडियो में, खुशबू आप लोगों को तो नहीं आ सकती लेकिन हमें आ रही है। हाँ कैसी आ रही है? आहा। 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 आहा।
सूफी साहब अब क्या करने लगे हो आप? ऊपर फेंकेंगे या ऊपर डालेंगे? फेंकना ये होता है, डालना ये होता है। ये लक की लानत फेंकना उसके बाद क्या डालना है? उसके बाद मिर्चें जाएंगी एंड पे, फिर टमाटर जाएंगे। टमाटर क्योंकि पानी छोड़ देते हैं, हाँ, इसलिए फिर वो जो फ्राई होने वाली चीज़ होती है ना वो फ्राई नहीं होती है। टमाटर एंड पे जाएंगे, चिकन भी पहले फ्राई करेंगे। हाँ, ये कब से ये कुकिंग कर रहे हो? कुकिंग यार घर में देख देख के एक तो आ गई है, घर तो मैं घर में 8-9 साल से रहा हूँ। हाँ हाँ 8-9 साल हो गए। कुछ कहने वाला कहो। यार भाई की शादी हुई है तकरीबन आज से 3 साल हो गए कि 2 साल हो गए? यार 2 साल हो गए तो फिर समय तो गया ना। यार वासुदेव कह रहा है कि भाई की शादी हुई, लेकिन भाई की शादी नहीं हुई। भाई शादी नहीं हुई ना यार? टॉपिक ना करो ना यार। नहीं नहीं यार ये तो बताना पड़ेगा, शादी हुई कि नहीं? हाँ या ना? हाँ हुई हुई है। हाँ भाई साहब की शादी हुई है तो बेगम जो है ना वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ग्रेजुएटेड है, तो भाई को खाना बनाना पड़ता है। यही सीन है ना? यार मुझे शौक है बनाने का खाना। हाँ वो बाद में यही कहते हैं, बहुत शौक है मुझे बनाने का। उधर पाकिस्तान भाभी को इधर हमको, हाँ पाकिस्तान में भाभी को बना के खिलाता है और इधर हमें खिला रहा है बना के। हमारा तड़का वड़का लग रहा है कि बहुत जबरदस्त सीन होने वाला है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से कर दो जल्दी से। अबे रोटियां कहाँ से लेके आनी है? नान भाई ओपन है यहाँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे नान भाई। वो नान भाई नान भाई पता किधर है? ताजी मिलेगी यार, ताजी मिलेगी इधर। नान भाई यार इधर ना वो तंदूर को कहते हैं नान भाई, प्रसिद्ध लफ्ज़ है। अच्छा ये वाला प्याज ना बहुत लेट फ्राई होता है, ये भी देख ले कितनी देर हो गई अभी तक फ्राई नहीं हुआ। हाँ तकरीबन 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए ये अभी तक वाइट है। ये देखो यार बहुत टाइम लेता है ये ना, बड़े वाला होता है इतना बड़ा। भाई साहब क्या कर रहे हो? बस ऐसे याद की याद में अभी इधर से निकल के आ रहे हो, याद की इधर हम याद करते हो। भाई साहब वॉशरूम से निकल के आ रहे हैं, मैं आपकी याद में था। भाई साहब बोल रहा था आपकी याद में वॉशरूम में। सुफी यार ये किस तरह की बातें, हमारी याद की वॉशरूम में आती है। भाई अभी क्या करने लगे हो? सब प्लेट निकालने लगे। ओह फिर तो ये यमी हो जाना। हाय हाय फुलगो फिल 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 ज्याद फिल फिल ज्याद। ओह यार जबरदस्त। कि मैं और सुफी जाएंगे हम रोटियां लेने के लिए और दिखाएंगे आप लोगों को नान भाई किस तरह की होती है। अच्छा मैं चिकन डालने लगा। चिकन अभी डालना है? हाँ चिकन फ्राई कर देते हैं। पापा पानी निकाल लेना यार। हाँ ऐसे बिस्मिल्लाह। भाई साहब अभी चिकन डालने वाले हैं, डाल दिया। सुफी कह रहा बचपन में चूरन चाटता था और चूरन चाटते चाटते हाथ की लकीर चाट गया था। जी भाई क्या करने लगे? चिकन फ्राई हो गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ओए होए ये तो फिर VIP फ्राई बन जानी है। हाँ हाँ मजेगा। हाँ सीन सही हो गया, सीन ओके हो गया। चलो जी अब आप खाना बनाओ, मैं लेके आता हूँ वो क्या कहते हैं नान भाई से रोटियाँ। हाँ रोटियाँ लेके आता हूँ, ठीक है ओके। फिर मैं और सुफी साहब आ गए मार्केट में और यहाँ से रोटियों का पता करते हैं दुकान किस तरफ है। सुफी दुकान किस तरफ है? तो ये नान भाई है, ये क्या ऑफ है? इधर तो बंदा ही नहीं है, लॉक लगा हुआ है। हाँ ये देखो जी लॉक लगा हुआ है। अभी अभी किधर से मिलेंगी रोटियाँ? इनको बेकरी बेकरी पे चलें जी। अभी हम बेकरी पे जा रहे हैं जी, ये इधर बंद है। अभी जी यहाँ पे शॉप पे आए हैं। ये कितने हैं? 4 रोटियाँ। ये जी बंडल मिलते हैं यहाँ पे, तो ये 4 रोटियों वाला बंडल हमने ले लिया। ये एक सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट के अंदर ये। सर हाउ मच? हाउ मच या ओके। ये जी 50,000 तुमान की मिल रही हैं 4 रोटियां ओके। तो अभी सूफी साहब पैसे देंगे, मैं आपको सुपर मार्केट का विजिट करा दूँ। यहाँ पे अंडे वंडे, ये देखो ये अंडे पे मोहर लगी हुई है, एक्सपायरी डेट भी इनकी पता चल जाती है। देखो ये छोटे छोटे अंडे किस चीज़ के हैं? ये टूटा पड़ा है, इसको इधर रखते हैं, ये ना हो खाते पड़ गए, फिर कहना कि पार्टी तो बढ़ गई। चलो जी उठा रहे हाँ प्रोग्राम बढ़ गया। इधर इस तरह का बहुत ज़्यादा सीन है क्योंकि ना रोटियां ताज़ी नहीं मिलती, आप लोगों को शॉपर में डाली हुई मिल जाएंगी। ये मार्केट जिधर भी जाएंगे ना सुपर मार्केट के बाहर, तो वहाँ से आपको ना रोटियां जो हैं वो मिल जाएंगी। सो जी अभी रोटियां लेके अपने घर दाखिल हो रही हैं। ये जी उन लोगों ने मेरे ख्याल है सब कुछ डाल के ना इसके अंदर, अभी पानी डाल दिया यार इसमें,
चलो जी खाना हमारा तैयार होता है, 15-20 मिनट लगेंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर इंशाल्लाह देख के फिर क्या सीन होगा। आदिल शाह फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी दानियाल शाह फ्रॉम पाकिस्तान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खाना बन रहा है? खाना बनना है जी, बस हम आ रहे हैं। आए आज ना स्पाइसी खाना बना रहे हैं शिराज भाई, तो अभी ड्यूटी से भी आ रहे हैं? ड्यूटी से नहीं, स्टडी करके। वही ड्यूटी होती है यार भाई साहब, स्टडी करके आ रहे हैं। तो शिराज भाई को देखते हैं क्या कर रहे हैं यार।